हेलो बच्चों, तो नीट प्लस में आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की और स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, दो तीन पॉइंट सबसे पहले स्टार्टिंग में समझ लेने चाहिए। जैसे कि अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझना है, अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं आ रहा है। पहले छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है। ठीक, अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। फ्रिक्शन कहां पर होगा? जहां पर सरफेस रफ होगी। अब सोचो, अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या है? वहां पर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि रफ सरफेस है तो ही हम फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं। तो मैं जितने भी केस ले रहा हूं सब रफ सरफेस के हैं। ठीक है, अब जरा बात समझो, सरफेस अपने पास किस तरह की है? रफ है। और एक ब्लॉक मैंने यहां पर रख दिया 5 kg का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन होगा, ठीक है, मतलब इस ब्लॉक पर अगर फ्रिक्शन पूछा जाए, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है, बता सकते हैं इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन होगा? भाई सरफेस रफ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या इस पर कोई फ्रिक्शन होगा? तो आंसर होगा जीरो। यहां पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, भले ही सरफेस रफ है लेकिन फिर भी इस ब्लॉक पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात समझना, और फिर वहां से धीरे धीरे हम स्टैटिक फ्रिक्शन तक जाएंगे। सबसे पहले ये देखो, एक टर्म आता है स्लिपिंग, ठीक है, क्या आता है? स्लिपिंग। और एक दूसरा टर्म है टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। अच्छे समझे, दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग मतलब कि स्लिपिंग होना और स्लिपिंग की टेंडेंसी होना। देखो, स्लिपिंग होने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इसको मैंने सरफेस पर रखा, और ब्लॉक सपोज 5 meters per second की वेलोसिटी हमने इसको दे दी, तो हो क्या रहा है कि सरफेस तो रेस्ट में, ठीक, और ब्लॉक मोशन में है। सरफेस रेस्ट में है और ब्लॉक मोशन में है, तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग होने का मतलब यह है कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी से डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि एक बॉडी रेस्ट में है, नीचे वाली सरफेस रेस्ट में है, और ऊपर वाली बॉडी आगे की ओर मोशन कर रही है, मतलब कहेंगे सरफेस पर यह बॉडी स्लिप कर रही है, तो यह एक्चुअल स्लिपिंग है। अब जरा बात समझो, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं कहूं यहां पर एक बॉडी है, और इस बॉडी को हमने एक सरफेस पर रख दिया, सरफेस रेस्ट में है, बॉडी भी रेस्ट में है, जबकि हमने इस पर एक फोर्स लगा रखा है मान लो 2 newtons का, उसके बाद भी बॉडी रेस्ट में है। समझना ध्यान से, सरफेस रेस्ट में है और फोर्स एग्जर्ट करने के बाद भी बॉडी रेस्ट में है, यानी कि अगर दोनों रेस्ट में हैं तो आप क्या बोलोगे? इस पर ये स्लिपिंग नहीं कर रही, मतलब कि स्लिपिंग तो यहां पर नहीं है, नो स्लिपिंग। बात समझ में, यहां पर स्लिपिंग नहीं है, यानी एक बात समझ में आ गई कि सरफेस पर बॉडी स्लिप तो नहीं कर रही है, लेकिन ये जो 2 newtons का हमने फोर्स लगाया है, ये क्या कोशिश कर रहा है कि बॉडी को स्लिप कराया जाए। देखो, यहां पर जो 2 newtons का फोर्स लगाया है, यह क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ये कोशिश कर रहा है कि बॉडी स्लिप करना स्टार्ट कर दे, मतलब ये जो 2 newtons फोर्स है, इसकी वजह से क्या बन रही है? टेंडेंसी बन रही है। टेंडेंसी बन रही है किसकी? स्लिपिंग की। बात समझ आ रही? भले ही स्लिपिंग नहीं है बट फिर भी टेंडेंसी है स्लिपिंग की, मतलब बॉडी के स्लिप होने के चांस है। किस लिए चांस है? क्योंकि 2 newtons का फोर्स एग्जर्ट हो गया। तो क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आता है कि एक्चुअल में स्लिपिंग होना अलग बात है, और स्लिपिंग ना हो लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी हो वो अलग बात है। यानी अपने पास 3 cases बन गए, जरा समझना। पहला कि स्लिपिंग हो, पहला क्या है? स्लिपिंग होनी चाहिए। दूसरा केस क्या है? स्लिपिंग ना हो, ठीक है, कोई स्लिपिंग ना हो। और नो स्लिपिंग की कंडीशन में भी 2 cases बन गए, पहला टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो, और दूसरा केस क्या है? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग
टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग यहां पर हो और यहां पर ना हो। मैं कुछ केसेस लेके यहां पर आपको बताता हूं कि कहां पर स्लिपिंग है, कहां पर स्लिपिंग नहीं है, कहां पर स्लिपिंग नहीं है और स्लिपिंग की टेंडेंसी भी नहीं है, कहां पर स्लिपिंग नहीं है लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी है। जरा चेक करना खुद से भी एक बार, समझो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फ्रिक्शन आगे वैसे भी दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। तो जरा देखो, सबसे पहले एक यहां पर ब्लॉक रखा हमने, सरफेस रफ है, ठीक है, रफ सरफेस है, और यहां पर एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है, और इस पर हमने इस डायरेक्शन में 10 N का फोर्स एग्जर्ट किया, ठीक है, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2 m/s की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब जरा पहले तो इसको देखो, यहां पर चेक करो और बताओ क्या यहां पर स्लिपिंग हो रही है, पहला पॉइंट, और अगर स्लिपिंग नहीं है तो चेक करो स्लिपिंग की टेंडेंसी है कि नहीं है। तो पहली बात, जैसे ही आपको पता चला कि भाई ब्लॉक सरफेस तो रेस्ट में है और इसके ऊपर जो बॉडी रखी हुई है, ये जो बॉडी रखी है ये इस डायरेक्शन में 2 m/s से जा रही है, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहां पर कि सरफेस रेस्ट में है और इस सरफेस के ऊपर बॉडी मोशन कर रही है, मतलब कि यहां स्लिपिंग है, यहां पर स्लिपिंग हो रही है। बात समझ में आ गई, यहां पर स्लिपिंग है। आप कहोगे कि सरफेस रुकी हुई है और बॉडी उस पर चल रही है, मतलब बॉडी उस पर स्लिप कर रही है, स्लिप कर रही है ना। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो और उनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो तो वो दोनों क्या मानी जाएंगी, कि वो स्लिप कर रही है, ठीक है। पहला समझ में आए, दूसरा देखो यहां पर सेकेंड कंडीशन क्या है। मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ये चल रहा है 2 m/s से और इसके ऊपर हमने एक बॉडी रख दी, ठीक है, ये जो बॉडी है वो रेस्ट में है। अब बताओ दोनों के बीच में स्लिपिंग है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी का ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये तो रेस्ट में होगा, लेकिन सरफेस का ये वाला जो पॉइंट होगा ये मोशन में होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, यानी कि फिर से हम ये कहेंगे कि यहां पर स्लिपिंग है। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, नीचे वाली सरफेस चल रही है, ऊपर वाली रुकी हुई है, तो भी यहां पर क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है। मतलब यहां पर भी आप क्या बोलोगे कि दोनों के बीच में स्लिपिंग है स्लिपिंग। तीसरा केस देखो, सपोज यहां पर एक बॉडी है चल रही है 2 m/s से और जिस सरफेस पर रखी है वो चल रही है 4 m/s से। अब बताओ स्लिपिंग है कि नहीं है। फिर से स्लिपिंग है, क्यों? इस पॉइंट की वेलोसिटी 2 है, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 4 है, डिफरेंट वेलोसिटी है, डिफरेंट वेलोसिटी मतलब ये भी एक दूसरे पर स्लिप कर रही है। बात समझ में आ रही, ये साथ साथ नहीं चल रही है ना, साथ साथ नहीं चल रही है, स्लिप कर रही है, अलग अलग वेलोसिटी है, तो यहां पर भी क्या बोलोगे, स्लिपिंग है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखो, सपोज ऊपर वाली बॉडी चल रही है 2 m/s से और नीचे वाली जो सरफेस है ये भी चल रही है 2 m/s से। अब अगर आप यहां देखो तो ये वाली जो पॉइंट है ये भी 2 से चल रहा है, ये पॉइंट भी 2 से चल रहा है, अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी। आप कहोगे दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही है, ठीक है, यानी यहां पर स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आते हैं, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इस पर। अब देखो ये वाला पॉइंट तो चलो समझ में आ गया, अब जरा कुछ और आगे के पॉइंट समझना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक ये बॉडी रखी हुई है एक सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर, सरफेस रफ है, बॉडी मैंने ऐसे रख दी। अब सपोज बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, सरफेस भी रेस्ट में, बॉडी भी रेस्ट में, सरफेस भी रेस्ट में, मैंने यहां पर क्या किया, इस बॉडी पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं किया। ध्यान से समझना, बॉडी रेस्ट में, सरफेस रेस्ट में और किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो पहली बात आप क्या बोलोगे कि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है। बात समझ में आ गई, भाई ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, कोई स्लिपिंग नहीं है, तो एक बात तो समझ में, स्लिपिंग नहीं है। दूसरा, अब स्लिपिंग नहीं है तो चेक करो क्या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है तो क्या एक टेंडेंसी है स्लिप हो जाए इधर या उधर, तो आप कहोगे सर यहाँ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो किसी तरह की कोई टेंडेंसी भी नहीं है, यानी ना तो स्लिपिंग है ना स्लिपिंग की टेंडेंसी है, ठीक है। अब जरा एक और केस देखो, यहाँ पर सपोज ये बॉडी है, हमने क्या किया, इस पर इधर से एक फोर्स लगाया 3 N का, लेकिन उसके बाद भी बॉडी रेस्ट में, मतलब सरफेस रेस्ट में, उसके ऊपर बॉडी रेस्ट में, तो क्या बोलोगे स्लिपिंग है या नहीं है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर किसी तरह की कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग,
लेकिन अब चेक करो स्लिपिंग की टेंडेंसी है कि नहीं है। तो अगर ध्यान से देखो तो बॉडी स्लिप तो नहीं कर रही है, लेकिन इधर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या कोशिश कर रहा है कि बॉडी स्लिप कर जाए। तो इस 3 न्यूटन की वजह से यहां पर आप बोलोगे स्लिपिंग की टेंडेंसी है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, स्लिपिंग नहीं है, लेकिन क्या है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, यानी इस 3 न्यूटन की वजह से बॉडी स्लिप कर सकती है। क्लियर, समझ में आता है? तो ये जो मैंने आपको केसेस बताए, ठीक है, एक और देख लो केस, इसको भी समझ लो। सपोज मैंने एक ब्लॉक लिया और इसको मैंने इंक्लाइंड सरफेस पर रख दिया, ये देखो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पर, ठीक है, और ये मान लो कितना एंगल बना रहा है यहां से 30 डिग्री। अब जरा चेक करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये मान लो मास है, मैं ये बॉडी रेस्ट में है, 30 डिग्री के सरफेस के एक इंक्लाइंड सरफेस पर एक बॉडी रख दी, फिर भी वो रेस्ट में। सोचो अगर ये बॉडी रेस्ट में है, यानी कि स्लिपिंग है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर स्लिपिंग तो यहां भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, जिस सरफेस पर रखी है वो भी रेस्ट में है, तो स्लिपिंग तो नहीं है। लेकिन क्या इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। कौन सा? mg sin 30। तो इस mg sin 30 की वजह से क्या बॉडी के चांस है कि डाउन द प्लेन स्लिप हो जाए? बात समझ आ रही भाई? ये mg sin 30 क्या है? टेंडेंसी ही तो है स्लिपिंग की, है ना, भले स्लिप नहीं हो रही लेकिन टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे सर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है बट स्लिपिंग नहीं है, मतलब इसकी वजह से बॉडी स्लिप हो सकती थी, मतलब ये कोशिश क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है बॉडी स्लिप हो जाए, मतलब स्लिपिंग की टेंडेंसी है। बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखो इन सारी चीजों में फ्रिक्शन कहां पर होगा। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कि स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस पर आएगा? स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो आपका आंसर क्या होगा? या तो यस, या तो स्लिपिंग होगी या फिर स्लिपिंग नहीं होगी। देखो अगर स्लिपिंग हो रही होगी वहां पर आएगा कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर स्लिपिंग है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी बात आज हम नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। स्लिपिंग अगर है तो क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, थोड़ा याद रखने के लिए, ठीक है, आगे बात करेंगे इस पर। और अगर स्लिपिंग नहीं है, मान लो दो बॉडी एक दूसरे पर स्लिप नहीं कर रही, तो फिर तुम ये चेक करो कि वहां पर टेंडेंसी है कि नहीं है। बात समझ गए? अभी जैसे मैं सारी बातें आपसे यही तो कर रहा था कि स्लिपिंग नहीं है तो चेक करो टेंडेंसी है कि नहीं है। तो अब यहां चेक करना है आपको टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है कि नहीं है। ठीक है, माना स्लिपिंग नहीं है लेकिन ये तो चेक कर ही सकते हैं कि वहां स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी है कि नहीं है। तो फिर क्या होगा? या तो आपका आंसर होगा नो, यहां पर कोई स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है, या फिर आपका आंसर होगा यस, स्लिपिंग की टेंडेंसी है। तो अगर स्लिपिंग नहीं है और स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी भी नहीं है तो फिर यहां पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, नो फ्रिक्शन। लेकिन अगर स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग तो नहीं है लेकिन स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी है, तो यहां पर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई? कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बात समझ में आती है कि कब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, कब कौन सा नहीं आएगा। क्या मैंने बोला? सबसे पहले चेक करो कि बॉडी एक दूसरे पर स्लिप कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर वो स्लिप कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर स्लिप नहीं कर रही है तो चेक करो स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी है कि नहीं। अगर टेंडेंसी नहीं है तब तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं आएगा, और अगर टेंडेंसी है तो क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखो वही आता है जहां पर स्लिपिंग नहीं होती है। अगर स्लिप नहीं हो रही है लेकिन स्लिपिंग की एक टेंडेंसी है तो उसका अपोज कौन करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बट जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो हम लोगों ने यह बात समझ ली कि कहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है और कहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है और कहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। देखो क्या बात करने जा रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? देखो एक बात समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई पहले से डिफाइन वैल्यू नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो इतना ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है। क्या लिमिट है? कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपने पढ़ रखा है, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं एक बार। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है म्यू एस इंटू एन।
क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, क्या है ये नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस, जिन सर्फेसेस के बीच में आप फ्रिक्शन फाइंड करना चाहते हो या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, उन सर्फेसेस के बीच में क्या देखना है, नॉर्मल फोर्स कितना है। और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये आप, ये डिपेंड करेगा सरफेस के नेचर पर, है ना, ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा किस टाइप की सरफेस है, कितनी ज्यादा रफ है, कितनी कम रफ है। तो ये म्यू एस किस पर डिपेंड करेगा, सरफेसेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स किसके बीच में लेना है, जिन सरफेसेस के बीच में, जैसे मान लो मैंने कहा एक ब्लॉक है, इसके नीचे एक ब्लॉक है, इसके भी नीचे एक ब्लॉक है और फिर सरफेस है। अब सपोज मुझे फाइंड करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो मुझे फाइंड करना है यहां पर कितना फ्रिक्शन है, मान लो मुझे यहां पर फ्रिक्शन बताना है, फ्रिक्शन बिटवीन वन एंड टू, तो मुझे नॉर्मल फोर्स भी क्या लेना होगा, इन्हीं सर्फेसेस के यहां लेना होगा, जिस सर्फेस पर तुम्हें फ्रिक्शन चाहिए उसी जगह पर नॉर्मल फोर्स फाइंड करो। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो म्यू एस इंटू एन, अब देखो ये चीज देख के एक बात तो समझ में आ गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हाँ लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू की एक लिमिट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन। दूसरा ये आपको हमेशा याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, किसका अपोज करता है, टेंडेंसी का अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग का अपोज करता है, ठीक है। जहां पर स्लिपिंग तो नहीं होगी लेकिन स्लिपिंग की एक टेंडेंसी होगी, उस टेंडेंसी को अपोज कौन करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आपको ये दो बातें ढंग से समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सपोज ये ब्लॉक है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखें, ये समझने से पहले अगर आपको नॉर्मल फोर्स फाइंड करना नहीं आता है तो एक बार पहले उसको सीख लो, है ना, और आता है तो फिर बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा पूरा। देखो सपोज हमने यहां पर एक ब्लॉक लिया जिस ब्लॉक का मास है 10 kg, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज गिवन है 0.2, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। हमें क्या फाइंड करना है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अगर ब्लॉक को हमने सरफेस पर रख दिया और मैं क्या पूछ रहा हूं कि इनके बीच में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या हो सकता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन होती है। चेक करो म्यू एस कितना है, 0.2, तो यहां पर हमने कितना रख दिया, 0.2। और देखो ध्यान से समझना, ये जो ब्लॉक है, देखो मुझे यहां पर नॉर्मल फोर्स चाहिए, सोचो सरफेस इस पर कौन सा नॉर्मल फोर्स लगाएगी, भाई उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाएगी जिससे इसका वेट यानी कि 10g बैलेंस हो जाए। भाई सरफेस इस पर एक फोर्स ऊपर लगाएगी नॉर्मल, वो क्या कर रहा होगा, इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, 10g के इक्वल होगा, यहां लिख दो 10g। जिस जगह पर आपको फोर्स चाहिए होता है ना उसके ऊपर देखा करो कितना, है ना, उसके ऊपर देखा करो कितना मास है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स उसी के वेट को तो बैलेंस करेगा। तो कितना आ गया जी, आप चाहो तो 10 ले लो, तो ये कितना हो गया, या तो आप इसको 2g लिख दो या इसको आप 20 N लिख दो, ठीक है, समझ में आता ही है। अब मान लो जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे पूछा है फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, फाइंड या ऐसे लिख लो फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। अब आपसे पूछ रहा है पहले तो ये बताओ कौन सा फ्रिक्शन है और जो भी फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, मान लो ये बताना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले चेक करो क्या एक्चुअल में कोई स्लिपिंग हो रही है, तो यहां पर देखो कोई स्लिपिंग नहीं है, बॉडी भी रेस्ट में सरफेस भी रेस्ट में किसी तरह की कोई स्लिपिंग नहीं है। फिर चेक करो, अच्छा स्लिपिंग नहीं है तो चेक करो क्या स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी है, तो भाई ना कोई इधर से फोर्स लग रहा है ना उधर से लग रहा है तो स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी भी नहीं है, तो ना तो स्लिपिंग है ना स्लिपिंग की टेंडेंसी है, जब कुछ भी नहीं है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, यानी यह फ्रिक्शन कितना होगा, 0।
ध्यान से समझना, दोनों में डिफरेंस है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 20 न्यूटन। ठीक है, समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर एक फिर से हमने एक ब्लॉक लिया है, ये ब्लॉक 10 kg का, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है इस बार। और म्यू यहाँ पर सपोज 0.2 है, ठीक है, ये सब दे रखा है। तो देखो, अभी हमने एक बात तो फाइंड कर ली थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 20 न्यूटन। ठीक है, अब देखो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया यहाँ, ठीक है, हमने एफ फोर्स लगाया। ठीक है, अब सपोज सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया एफ अगर 3 न्यूटन हो, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है नेचर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, नेचर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया, देखो एक बात हम पहले ही फाइंड करके रख लिया करें कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, यानी कि नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस को अपनी लास्ट लिमिट यानी 20 न्यूटन तक रोकने की कोशिश करेगी। ये इस पर 20 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकती है जिससे कि ये स्लिप ना हो। तो स्लिपिंग को रोकने के लिए इनके बीच में फ्रिक्शन कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20। अब जरा बात समझो, हमने यहां पर कितना फोर्स लगाया, 3 न्यूटन। सबसे पहले आपको चेक करना है स्लिपिंग है कि नहीं है, तो बताओ क्या है यहां पर, ध्यान से देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 20, यानी कि अगर हम 3 न्यूटन लगाएंगे तो वैसे भी स्लिपिंग नहीं होगी, तो स्लिपिंग तो नहीं है। तो नेचर जो है उसको पता करने के लिए क्या करोगे, एक बात समझ में आ गई, स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, उसके बाद चेक करो क्या स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी है, बिल्कुल टेंडेंसी है। जब आप 3 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इस बॉडी के इधर मोशन करने की टेंडेंसी बनती है, यानी इस डायरेक्शन में स्लिप होने की टेंडेंसी बनती है। तो उसी टेंडेंसी का अपोज कौन करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि इस ब्लॉक पर जब हम 3 न्यूटन लगाएंगे तो उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ताकि स्लिप ना हो बॉडी। अब ये बताओ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 20, लेकिन क्या उतने की जरूरत है, नहीं भाई, 3 न्यूटन को रोकने के लिए क्या 3 न्यूटन चाहिए, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन यहां कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। भाई इधर से आप 3 लगाओगे तो ये भी 3 हो जाएगा, और 3 3 को कैंसिल कर देगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, मान लो मैंने इस फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 15 न्यूटन कर दिया, कितना कर दिया, 15 न्यूटन। अब आपसे पूछा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, भाई इधर से 15 लगाओगे और फ्रिक्शन कहां तक, देखो लिमिट बार बार दिमाग में होनी चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर के 20 न्यूटन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना है, 0 से 20 तक कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, बस उसकी पूरी कोशिश होगी स्लिपिंग ना हो। तो जरा एक बात देखो, 15 इधर लगाया, बताओ इसको रोकने के लिए हमें कितना चाहिए, 15। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन 15 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन 20 तक कुछ भी हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां इधर लगेगा जिससे कि स्लिपिंग को रोक सके, स्लिपिंग की टेंडेंसी, बताओ 15 इधर लगाओगे तो स्लिप होने की टेंडेंसी किधर बनती है, इधर, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा और कितना होगा, 15 न्यूटन। अब जरा ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं यहां पर 22 न्यूटन लगा दूं, कितना, 22 न्यूटन, अब क्या होगा, अब बॉडी रेस्ट में रहेगी कि स्लिप हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहां पर 22 न्यूटन लगाया, जबकि अगर फ्रिक्शन होता, सपोज पीछे की ओर फ्रिक्शन होता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 20, यानी 20 न्यूटन तक के फोर्स को तो अपोज कर पाएगा। अगर 22 लग गया, इसका मतलब 100% जो हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो गया है, यानी कि अब ये फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा और बॉडी इस डायरेक्शन में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बॉडी यहां पर मोशन स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ रही, तो यानी कि जैसे ही 20 न्यूटन से ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, बॉडी वहां पर अब स्लिपिंग रोक नहीं पाएगा फ्रिक्शन और बॉडी स्लिप स्टार्ट कर देगी। और बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 न्यूटन पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो आप कहोगे स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, जिसकी बात आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं कि फ्रिक्शन कहां पर है, कैसा है। ठीक है, अच्छा अब जरा एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और चेंज करते हैं।
ये बिल्कुल एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स आप समझते रहोगे तब आसान लगेगा आपको ये क्वेश्चन। देखो अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो बस ये समझो कि बेसिक आइडिया है, दिमाग में सेट करते जाओ। सपोज यहाँ पर मैंने 5 केजी की एक बॉडी ली, म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 0.1, ठीक, और इस पर मैंने इधर एक फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, समझ रहा, 2 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। और इस डायरेक्शन में सपोज मैं एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से पी, एक फोर्स मैंने लगा दिया पी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। अब जरा बात को समझना, ये कोई सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया हमसे कि भाई पी की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि ब्लॉक मूव ना करे। क्या बोला गया, पी की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ब्लॉक मूव ना करे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले सोचो इसमें कि अगर ये पी 2 न्यूटन के बराबर हो जाए, भाई इधर हमने कितना लगाया 2 न्यूटन, तो ये पी किसके बराबर हो जाए 2 न्यूटन के। सोचो अगर पी 2 न्यूटन के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, क्या ये बॉडी स्लिप करेगी, नहीं करेगी, टेंडेंसी होगी, नहीं होगी, सारी बातें सोचो। तो सबसे पहला काम है सोचो कि अगर ये पी कितना हो जाए 2 न्यूटन के बराबर हो जाए। जरा बात समझना, इधर कितना लगाया 2 और पी भी कितना कर दिया 2, क्या इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, बिल्कुल कैंसिल कर दिया। अब जब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो क्या इस बॉडी के स्लिप होने की कोई टेंडेंसी है, तो आप कहोगे नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आप इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन इधर लगा रहे हो, कोई आके इधर से 2 न्यूटन लगा दे, भाई आप कोशिश कर रहे थे बॉडी इधर स्लिप हो जाए, उसने इधर से 2 न्यूटन लगा दिया, बैलेंस हो गया, इस बॉडी के स्लिपिंग की टेंडेंसी ना इधर है ना इधर है। अब जब स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है तो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0। बात समझना, यानी कि अगर मैं 2 न्यूटन लगा दूं तो ये बॉडी रेस्ट में भी रहेगी और बिना फ्रिक्शन के रेस्ट में रहेगी, फ्रिक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब आता है जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है, जब स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी होती है, ठीक है, समझ में आता है। तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ये समझो 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, यानी अगर पी 2 न्यूटन हो जाए तो ये बॉडी स्लिप नहीं करेगी, लेकिन पी की और भी कई वैल्यूज हैं जिसके लिए बॉडी स्लिप ना करे, उसके लिए क्या करना है, पहले जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो चलो अपने को समझ में आ गई कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए कि उसमें एक फोर्स पहले से लग रहा हो और एक हमने और लगा दिया हो, ठीक है, तो क्या किया करो, सबसे पहले तो फोर्स बैलेंस कर दिया करो कि भाई इधर से 2 न्यूटन लगा तो इधर भी हमने 2 न्यूटन लगा के फोर्स बैलेंस कर दिया, स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी नहीं थी तो फ्रिक्शन भी नहीं था और बॉडी रेस्ट में थी। अब जरा इसमें थोड़े और चांसेस देखो क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई कि अगर पी कितना हो जाए 2 न्यूटन, ठीक है, तो पहली बात बॉडी रेस्ट में भी रहेगी, दूसरी बात फ्रिक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेंडेंसी ही नहीं है कि बॉडी स्लिप हो जाए। बात समझ में आई, ये तो क्लियर है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करने की शुरुआत ही यहीं से होती है, यहीं से सोचा जाता है धीरे धीरे फिर आगे। क्या दूसरा पॉइंट समझो, अब दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि अगर पी की वैल्यू 2 न्यूटन से ज्यादा हो तो क्या होगा और 2 न्यूटन से कम हो तो क्या होगा, लेकिन उससे पहला काम आप स्टैटिक फ्रिक्शन देख लो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इसी के बेस पे तो सोचेंगे आगे। तो बताओ अगर ये सरफेस और बॉडी के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन देखे क्या होता है, म्यू एस इनटू एन, तो म्यू एस कितना है यहां पर 0.1 और नॉर्मल फोर्स कितना है बताओ, ऊपर नीचे कितना होगा 5g, ऊपर कितना होगा एन, तो इसको मैंने 5g लिख दिया, जी से 0.1 10 लेके चलो तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन, है ना, ये काम तो आप कर ही लोगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आ गया 5 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक पूरी कोशिश करेगा कि बॉडी स्लिप ना हो। अब जरा बात को समझना यहां पर, अब मैं 2 केस लेने जा रहा हूं, पहला अगर पी 2 न्यूटन से ज्यादा हो तो क्या होगा, मतलब पी की वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाए, सोचो इधर कितना लग रहा है 2, इधर जो आप फोर्स लगा रहे हो जो पी है वो क्या है 2 से ज्यादा है, तो सोचो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर बनी, इधर, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग जो आ रही है
वो किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में। क्यों? मान लो ये 2 है, ये 4 हो गया, तो इस डायरेक्शन में स्लिप होने के चांस है, तो बताओ फ्रिक्शन किधर आएगा रोकने के लिए, इधर आएगा। बात समझ गई? तो कैसे आएगा जरा समझना, ये कितना पी, पी क्योंकि 2 से ज्यादा है तो 2 को किसी के सपोर्ट की जरूरत है, वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा कि बॉडी स्लिप ना हो। तो अगर बताओ बॉडी स्लिप नहीं हो रही है, तो इधर जो पी लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब देखो जैसे जैसे पी इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे पी को इंक्रीज करोगे क्या होगा, इस डायरेक्शन में स्लिपिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। अब जरा बात समझना, इस पी की कोई लिमिट नहीं है, ये पी कितना भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन की लिमिट है, ये कितना भी इंक्रीज नहीं हो सकता, ये केवल 5 न्यूटन तक जा सकता है। तो सोचो इसको बढ़ाते 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 अगर मैं 5 न्यूटन कर दूं, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी पी 7 न्यूटन से ज्यादा नहीं कर सकते हम भाई। 5 तक ये बैलेंस कर देगा, 2 ये है, 5 और 2 हो गया 7, यानी कि आप 7 न्यूटन तक पी को रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कि पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 7 न्यूटन। ठीक है, तो दो बातें समझ में आ गई, पी अगर 2 रखेंगे तो कोई स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है, बिना फ्रिक्शन के बॉडी रेस्ट में रहेगी, 2 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट आ जाएगा, रोकने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं, 7 न्यूटन। अब तीसरा काम, अगर मैं पी को 2 न्यूटन से कम करूं, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, और इधर तुम क्या लगा रहे हो, पी जो 2 से भी कम है, तो सोचो अगर 2 न्यूटन से कम फोर्स लगाया तो क्या होगा, क्या इस डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी स्लिपिंग की, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग जो होगी है ना, वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी भाई। अगर आप 2 न्यूटन से कम फोर्स लगाओगे, इस डायरेक्शन में स्लिप होने के चांस ज्यादा है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा भाई, रुकने की कोशिश करेगा ना। आपने मान लो इसको 1 न्यूटन कर दिया, तो 2 और 1 का डिफरेंस क्या आया, इधर, क्यों, तो स्लिप होने के चांस इधर है, तो फ्रिक्शन इधर आएगा। अब जरा दिमाग लगाना, सोचो क्या P प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन मिलकर 2 को बैलेंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि P 2 से कम है, तो P को जैसे जैसे कम करते जाओगे, फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ताकि दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर पाए। अब जरा समझ रहा, P कम होते होते कहां तक जा सकता है, 0 तक, इससे कम थोड़ी ना होगा भाई, P कम करते 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 0 तक, और फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, 5 न्यूटन तक, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, और 0 से कम P नहीं हो सकता। अब ये देखो कि दोनों में से कौन पहले अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, पी कम करते 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 0 पे पहले पहुंचेंगे, कि फ्रिक्शन बढ़ते 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 5 न्यूटन पे पहले पहुंचेगा। तो एक बात बड़ी सिंपल सी समझ में आ रही है, कि अगर मैं पी को कम करते करते 0 तक ले आऊं, सपोज पी 0 हो गया, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों को मिलकर क्या बैलेंस करना है, 2, तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन आराम से 2 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन तो 5 न्यूटन तक जा सकता है, यानी कि अगर पी 0 भी हो जाए, पी मिनिमम 0 हो जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो जाएगा और बॉडी रेस्ट में रहेगी। लेकिन उल्टा सोचो, तो मान लो ये सोच लेते कि पी कम होते होते अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया, लेकिन फ्रिक्शन, पी अपने मिनिमम तक पहुंच गया और फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, 5 न्यूटन तक, क्या फ्रिक्शन 5 न्यूटन की जरूरत है, खुद सोचो, उधर 2, क्या इसकी जरूरत है 5 न्यूटन की, बिल्कुल नहीं है भाई, हमें तो इधर 2 न्यूटन है, तो इन दोनों को मिलके क्या होना चाहिए, 2 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन अकेला 5 कर दोगे, कोई सेंस ही नहीं बनता, यानी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि कम से कम पी कितना हो सकता है, 0, और ज्यादा से ज्यादा पी कितना हो सकता है, 7 न्यूटन, यानी पी की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, 0 से 7 न्यूटन। तो अगर आप 0 से 7 न्यूटन तक का फोर्स लगाते हो, तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी इसमें, कि स्लिपिंग है कि नहीं है, स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है या नहीं, डिपेंड करेगा टेंडेंसी है कि नहीं, सही है। तो आई होप कि पूरा लेक्चर आपने अच्छे समझ लिया होगा। बच्चों मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को 2 से 3 वीडियो में कवर करूंगा, तो एक साथ पूरा बताएंगे, समझ में भी आपके नहीं आएगा, तो आप एक काम करो, पहले इसको अच्छे से समझो, थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, तब तक प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।